Are you buying a home and need a mortgage? Are you taking money out of your home equity or refinancing your mortgage? Do you know your budget, how much you qualify for? Don't guess, talk to a professional. You need an experienced and professional mortgage broker to help you get the right mortgage. We have over 30 years of banking and financing experience with thousands of satisfied clients. We can help you take important and right decisions in your life. Aftab Rashid Mortgage Broker. Call 647-300-3304 or visit xbanker.net. We are professionals. We are XBanker. Hello viewers, welcome to the Realtors Cafe with Asfar Tahir. Kaise hain aap? Khairiyat se theek thaak hain? I hope you must be enjoying the weather. Weather is pretty hot these days. Aur lekin ye sab short lived hota hai. Evenings thodi behtar hoti hain, lekin aajkal ki humidex ki wajah se kafi temperatures jo hai wo feels like kafi high hai. Aur upar se ye aapki jo wild fires chal rahi hain, uska bhi smoke wagera kafi spread kar gaya all across Canada. क्योंकि वैसे एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं इस वक्त. सो बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, बट यह कि वो स्मोकी एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ा सा ख्याल रखिए. तो बाकी तो चलता रहता जी. वही वाइल्ड फायर्स का बड़ा चक्कर है, वो ऑल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, जैसे कैलिफोर्निया में बहुत ये एवरी ईयर होता है वहाँ पर. और गर्मी इतनी पड़ती है वहाँ पर, ड्राई हो जाती है वहाँ पर आपकी जो वुड है एंड लीव्स, तो थोड़ी कोई भी फ्रिक्शन थोड़ी सी हो तो उससे फिर ये आग जो है वो भड़क जाती है. तो एनीवेज आग तो काफ़ी जगह भड़की हुई है, हमारी रियल एस्टेट मार्केट में भी आग लगी हुई है. तो आपसे उस बारे में बात करते हैं. आप लोगों की काफ़ी ईमेल्स आती हैं जी. थैंक यू वेरी मच. आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर ईमेल्स. आपकी उसमें आप लाइक करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में उन आपके उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें. वैसे ही मैं ईमेल पे भी रिप्लाई कर देता हूँ. तो थैंक यू वेरी मच. आप पसंद करते हैं, प्लीज़ कीप शूटिंग योर ईमेल्स टू अस, बड़ा अच्छा लगता है. और हमारी ईमेल वंस अगेन इज वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी एट gmail.com. हमारे स्टूडियो का नंबर है 905-670-4114. इज़ अ लाइव ट्रांसमिशन. अगर आप कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, आपका कोई क्वेश्चन है, यू वेरी वेलकम टू कॉल अस. मॉर्गेजेस, आजकल मॉर्गेजेस की बड़ी एक हॉट टॉपिक है. हर कोई ऑब्वियसली रियल इस्टेट एंड मॉर्गेजेस दे गो टुगेदर. और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आप दोस्तों के आए कि जी मॉर्गेज इंडस्ट्री के बारे में क्या हो रहा है, मॉर्गेज रेट्स के बारे में क्या हो रहा है. तो आज हमने अपने स्टूडियोज़ में एक मॉर्गेज प्रोफेशनल जो है उनको हमने इन्वाइट किया है जी. तो हमने कहा उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं. तो लेट्स सी, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं जनाब आसिफ रशीद साहब जी. वेलकम टू आर स्टूडियो आसिफ साहब. सर मेरा नाम आफ्ताब रशीद है, आप मिस कर गए. असल में आफ्ताब रशीद साहब तो वो चक्कर है कि वो आपके भाई हैं, वो भी हर वक्त हमारे साथ रहते हैं जी. तो वो भी इनफैक्ट थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हैं. तो आफ्ताब रशीद साहब जी, क्योंकि आफ्ताब आसिफ साहब के साथ काफ़ी हमारी रहती है, हमारी शूटिंग वगैरह चलती रहती हैं, तो इसलिए हमने दोनों भाई लगते भी एक जैसे हैं, बैठे भी लग नहीं रहे कि आसिफ साहब बैठे हैं. तो आफ्ताब रशीद साहब जी एक्स बैंकर जी हैं और बैंकिंग का फाइनेंशियल इंडस्ट्री का बहुत एक्सपीरियंस है जी आफ्ताब साहब को. तो इसलिए हमने इन्वाइट किया, मैंने कहा आज आपसे कुछ बात की जाए. तो आफ्ताब साहब वेलकम टू आवर स्टूडियोज. बहुत शुक्रिया ताहिर साहब. सबसे पहले तो आप यकीनन इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमें मौका दिया और आपसे आप जैसी मरन जान मरन शख्सियत से मिलके तो वैसे ही हम. नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. ये आपका फिर आप यहाँ पे बात करेंगे तो उसका और भी मज़ा होगा. जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह. तो उसको हमारे कुछ दोस्तों को बताइए कि कब से आप, बिकॉज आई नो के यू बीन इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो ये कैनेडा में भी काफ़ी अरसे से आप इस फील्ड से उनसे लेके हैं. तो एक्चुअली जी मैंने 1981 में अपना कैरियर स्टार्ट किया था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से. उसके बाद फिर मैं 84 में मैंने BCCI ज्वाइन किया था. फिर मैं BCCI के मुख्तलिफ मराहिल रहे. मैं यहाँ पे 2002 के राउंड में कैनेडा आया था. okay. और उस वक़्त से मैं कैनेडा में ही हूँ और तब से मैं फाइनेंस मैंने जब से अपना कैरियर स्टार्ट किया था तब से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ही हूँ और मैं लेंडिंग साइड पर ही मेरा ज़्यादा कैरियर रहा है. और यही इस वक्त भी ये जो फाइनेंस है, क्रेडिट्स हैं, मॉर्गेजेस हैं, इसमें मैं यहाँ पे मैं लेंडर्स के मैं अंडरराइटर्स के शूज़ में भी काम कर चुका हूँ. अच्छा. अब मैं आजकल ब्रोकरेज साइड्स पे हूँ तो दोनों
सूरतों में एक ही फील्ड। हाँ नहीं बिल्कुल वही, तो क्योंकि आप कॉन्टेक्ट कंटिन्यू कर, दोनों भाई इसी फील्ड में हैं तो वो भी फाइनेंशियल। तो आफ्ताब साहब ये बताइए कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है करंट मार्केट की, रियल एस्टेट की तो हम बात करते रहते हैं उसके बारे में भी आप बताइए, और मॉर्गेज के बारे में क्या, लोग बड़े परेशान हैं आजकल की, यानी कि क्या हो रहा है, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, ये कहाँ जाके ख़त्म होगा मामला क्या? देखिए जी बात यह है कि जब हम मॉर्गेजेस की बात करते हैं या लोगों की परेशानी की बात करते हैं तो हमें इसको ब्रॉडर पिक्चर में हमें देखना होगा। इस वक्त जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सिर्फ बैंक ऑफ कैनेडा या सिर्फ कैनेडा नहीं है, आप नज़र दौड़ाएँ तो इसमें आपको अक्रॉस द वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और बहुत सारी कंट्रीज सारे तमाम के तमाम हाई इंटरेस्ट रेट पर इस वक्त चले गए। तो ये एक इंटरनेशनल सिचुएशन है जो प्रिवेल कर रही है, इसमें हम इंडिविजुअलाइज़ नॉट ओनली इन कनाडा, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज़ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट्स अपने इंक्रीज किए जी अबाउट वीक जर्मनी ने इंक्रीज कर दिया, फ्रांस लोग परेशान है कि जी ये क्या हो रहा है। तो उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि कैनेडियन बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और इस इन्होंने हम जो भी बैंक ऑफ कैनेडा ने यहाँ स्टेप्स लिए हैं वो बड़े सॉलिड स्टेप्स हैं, और उसकी वजह से इकॉनमी बड़ी कंट्रोल में है। और जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मार्केट ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं है मार्केट ग्रो कर रही है। अभी मैं आपको बताऊँ कि लास्ट ईयर अप्रैल में मई में तकरीबन कोई जून के अराउंड में 20% के ग्रोथ हुई थी रियल स्टेट में। जी हाँ बिल्कुल, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर दिस ईयर जून में 24% हुई है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें इंक्रीज देख रहे हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। बाकी ये कि जो क्लाइंट्स हैं उनमें थोड़ी सी इस बात पे तश्वीश है कि चूंकि इंटरेस्ट रेट हाई चले गए हैं इसकी वजह से कुछ क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसमें ऐसा है कि दो बातें इसमें बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमें समझने वाली। एक बात तो ये है कि ये जो जब से ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना शुरू किया है तो रियल एस्टेट की जो प्राइसेस थी वो बेकाबू हुई हुई थी, वो बड़ी कंट्रोल में आ गई हैं और वो नीचे आ गई, बहुत ज़रूरी बहुत बहुत नीचे आई हैं, तो वो भी पहुंच में आ गई हैं। अब लोगों की वो जो हुई वही घर जो 1 मिलियन का था अब लोगों के गिर के 700 या उससे भी नीचे आ गया, तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है लोगों के लिए जो पहले वो 1 मिलियन का क्या डाउन पेमेंट कर रहे थे अब वो 700 या 600 समथिंग की कर रहे हैं, और जो पहले वो इंस्टॉलमेंट देते थे वो 1 मिलियन की मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट देते थे वो अब 600 या 700 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइड है आप देखें कि लोगों के लिए ये, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं लोगों को इसमें बजाय घबराने के, ये तो इसको अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट की टर्म में कहा जाता है बाय लो सेल हाई, तो इस वक्त तो लो है मार्केट, तो इस वक्त तो ये दिस इज द राइट टाइम टू टेक, वही मैं कहता हूँ कि इस वक्त इट्स बायर्स मार्केट राइट नाउ, बायर्स मार्केट। और आई थिंक जो आई ऑलवेज से कि जो हमारे दोस्त और जो बायर्स सोच रहे हैं और बीन थिंकिंग ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी, आई थिंक दे शुड स्टॉप थिंकिंग एंड आई थिंक दे शुड जंप इनटू द मार्केट, प्रैक्टिकली उसको करें बिकॉज दिस इज अपॉर्चुनिटी और इट्स नॉट गोना लास्ट लॉन्ग, आई टेल यू, ये कुछ महीनों की बात है। और जैसे ही थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स कि बैंक ऑफ कैनेडा क्या आप सोच रहे हैं कि क्या करने का सोच रहा है इस वक्त? अच्छा इन्फ्लेशन बताइए, इन्फ्लेशन रेट जो है वो तो आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है, बिकॉज ये यही हुआ था कि अबाउट 2 वीक्स अगो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया था लेकिन थोड़ा लिटल बाउंस बैक किया था, जी वजह से बैंक ऑफ कैनेडा एक पैनिक हो गया तो उन्होंने 0.25% इंक्रीज किया, लेकिन आज मैं पढ़ रहा था कि वो काफ़ी हद तक कुछ कंट्रोल हो गया है, उसके बारे में बताइए कि क्या? जी देखिए बैंक ऑफ कैनेडा जो है ये इसका बहुत बड़ा एक फील्ड ऑफ एक्शन होता है, जो एरिया ऑफ एक्शन है इसका बहुत बड़ा होता है,
इसको ये अपने तौर पे बहुत सारी चीज़ें इनकी अपनी होती हैं जो ये अपने कैलकुलेशन करके वो करते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इनको गाइडेंस दी जाती है। तो होता ये एक्चुअली ये बैंक ऑफ कैनेडा इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ कैनेडा। सेंट्रल बैंक वो होता है जो बैंकों का बैंक होता है, जिससे कमर्शियल और दूसरे बैंक्स लेंडिंग लेते हैं, ये एक वो सर। तो अच्छा, इसमें अब आप देखें कि जब इस सारी पिक्चर में एक पोर्शन आता है मॉर्गेज का, तो ये सिर्फ मॉर्गेज ही सारा नहीं डील कर रहा, बल्कि एक पोर्शन है जिसको डील कर रहा है। तो होता ये है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन ये है कि इसको बैंक ऑफ कैनेडा जो है उस हमारा ये इनका टारगेट है 1.8 to 2% का इनका टारगेट है जो कि इन्फ्लेशन का जो ये रखना चाहते हैं। अब देखें इसको कितना कंट्रोल किया है बैंक ऑफ कैनेडा ने, इसी ईयर के स्टार्ट में जनवरी में 5.92 और अप्रॉक्सीमेटली 6% के अराउंड में था इन्फ्लेशन। बल्कि 7 क्रॉस कर गया था जी, वो इससे पहले क्रॉस किया था। इसमें इस जनवरी की बात बता रहा हूँ, इस जनवरी से आप जून तक आप देखें इन्होंने कितना गिराया। लास्ट टाइम लास्ट जो इनका अप्रैल में था वो 4.4 था, अभी ये जून में 3.4 पर ले आए थे। तो अभी ये बहुत गिर गया है पहले की निस्बत, लेकिन जो टारगेट है जैसे मैंने अभी बताया 1.8 to 2% का जो टारगेट है वहाँ नहीं पहुँचे हम। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी इस बात की है कि शायद डाउन द लाइन ये अभी जैसे 4.50 से 4.75 पे लेके गए हैं, मे बी 25 basis points मजीद इंक्रीज हो के किसी वक्त में 5% तक भी ये जा सकता है। बट ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, इसमें इनफैक्ट बैंक ऑफ कैनेडा भी कोई बहुत गारंटी से कोई बात नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीज़ मार्केट पे डिपेंड करती है। अगर मार्केट रिएक्ट करती है और ये इन्फ्लेशन फर्दर डाउन हो जाता है तो फिर कैनेडा बैंक ऑफ कैनेडा मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा करेगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर इसको फर्दर इन्होंने गिराना है चूँकि उस अपने टारगेट पर लेके जाना है तो 5% पे शायद ये टच करेंगे। लेकिन आजकल की जो आज खबरें यही आ रही थी कि थोड़ा सा ये काफ़ी कंट्रोल हो रहा है, कूल ऑफ कर रहा है इन्फ्लेशन रेट, तो देर इज़ प्रॉब्ली अ पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड के बैंक ऑफ कैनेडा मे नॉट इंक्रीज, बट यू नेवर नो। लेकिन जैसे कि आपने बड़ा यू वेरी राइटली सेड कि जिसको नीचे उस लेवल तक लाना है उस रेंज में जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन उसमें यह भी है ना, जितना ये फर्दर इंक्रीज करते रहेंगे तो ज़रा आप वो भी देख रहे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ ऑल्सो राइजिंग, और ये ना कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स काइंड ऑफ रिसेशन, तो वो एक नई सिचुएशन फिर वो गड़बड़ो। मेरा नहीं ख्याल है जी, उसकी वजह ये है कि जैसे अभी आपने मेंशन किया ना ये इसका एम्प्लॉयमेंट रेट का ये, और प्लस जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इस बात का जिक्र किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जैसे पिछले साल में 20% थी सेल रियल एस्टेट में, इस साल जून में ये 24% हो गई है, तो ये इंक्रीज की तरफ जा रही है। तो ये पॉजिटिव साइंस हैं। तो इस सूरत में नहीं ये सोचना नहीं चाहिए हमें कि रिसेशन वगैरह, वो बहुत आगे की बातें हैं, हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं, अभी तो हम बहुत पीछे हैं उससे, और इधर बल्कि इन्होंने उससे बहुत पहले ही कंट्रोल कर ली सारी चीज़ें, और इसी वजह से ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइंस। दूसरा सेकेंडली आई थिंक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कैनेडियन इकोनॉमी की इट हैज़ अ डिफरेंट डायनामिक्स, बिकॉज इट इज़ बेसिकली एन इमिग्रेंट बेस्ड इकोनॉमी और इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई की सारी सिचुएशन है। तो मैं वही कहता हूँ कि कैनेडियन इकोनॉमी को या कैनेडियन मार्केट को आप दूसरी मार्केट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक डिफरेंट तरीके से फंक्शन करती है, और यहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा है, और आई थिंक वेरी सून विल बी आउट ऑफ इट, खबरें अंदर की तो यही हैं। तो अब ये बताइए कि इस वक्त क्या अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है वो आपके पास आएगा मॉर्गेज के लिए, तो क्या किस रेट की क्या रेंज चल रही है, कहाँ उनको मिल सकता है? जी बिल्कुल, मैं इस तरफ आने से पहले आपने जैसे अभी जिक्र किया तो उसको थोड़ा सा मैं और फर्दर एलैबोरेट करूँगा कि ये कैनेडा की इकॉनमी जो है ये इट इज़ कॉल्ड इमिग्रेंट फ्यूल्ड इकॉनमी, क्योंकि
अभी 4 मिलियन का टारगेट है टोटल 2024 तक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का, ये इमिग्रेंट्स टोटल इनके मंगाने हैं, तो 1 मिलियन से ऊपर समवेयर अराउंड 2 मिलियन के करीब तो आ चुके हैं, अभी फर्दर और आने हैं, तो 2024 तक ये 4 मिलियन टोटल हो जाएंगे, 4.5 है शायद मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ने इमिग्रेंट्स को मंगाया है, अब उसके दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे, एक तरफ तो वो हर इमिग्रेंट अपने साथ पैसा लेकर आता है, अच्छा दूसरी तरफ ये जो हमारे साउथ एशिया के जो इमिग्रेंट्स हैं इनके दो टारगेट होते हैं मेन टारगेट्स इमिग्रेशन करने के यहाँ कनाडा आने के, एक तो टारगेट उनका होता है सबसे पहला कि वो घर ले लें यहाँ पे, और दूसरा उनके बच्चों की एजुकेशन का होता है ताकि हाईली एजुकेटेड हों और पढ़ाने के लिए वो लोग आते हैं, तो गवर्नमेंट इस तरफ भी तवज्जो दे रही है, गवर्नमेंट का प्लान है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें एक बहुत वसी कंस्ट्रक्शन की जाएगी जिसमें लोग ताकि लोगों को घर प्रोवाइड किए जाएं, और अब एक और भी काम किया है जैसे कि पहले ये सिचुएशन थी कि ये जो GTA था ये एक कंसंट्रेटेड पॉइंट बन गया था कि जो आते थे वो इमिग्रेंट्स इसी के ऊपर लैंड करते थे, तो उसकी रीज़न ये थी कि लोगों को कम्युनिकेशन में कम्यूट करने में जो था वो प्रॉब्लम था और जॉब्स का भी सिचुएशन थी, तो अभी आफ्टर कोविड लोगों ने एक तो ये कि जो वर्क फ्रॉम होम होम आया तो इसकी अपॉर्चुनिटी लेके लोग इस GTA से बाहर निकले जा रहे हैं। अच्छा फिर दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि गो सर्विस जो है वो उसका नेटवर्क उन्होंने बढ़ा दिया है, बढ़ रहा है, इधर न्यागरा है, उधर किचनर वाटरलू है, इसी तरह और दूसरे जो एरिया है बैरी वगैरह है उस सबको कनेक्ट कर दिया। सर इसके ऊपर बात करते हैं फर्दर, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है जी, जी तो आपसे इस बात करेंगे जी। आफ्ताब रशीद साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी, ओवरऑल मॉर्गेज एंड फाइनेंशियल क्या जो इसका मार्केट है क्या चल रहा है, बड़ी अच्छी है, बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ब्रेक का टाइम हो गया, लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। आर यू बाइंग अ होम एंड नीड अ मॉर्गेज? आर यू टेकिंग मनी आउट ऑफ योर होम एक्विटी और रीफाइनेंसिंग योर मॉर्गेज? डू यू नो योर बजट? हाउ मच यू क्वालिफाई फॉर? डोंट गेस, टॉक टू अ प्रोफेशनल। यू नीड एन एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मॉर्गेज ब्रोकर टू हेल्प यू गेट द राइट मॉर्गेज। वी हैव ओवर 30 इयर्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग एक्सपीरियंस विद थाउजेंड्स ऑफ सैटिस्फाइड क्लाइंट्स। वी कैन हेल्प यू टेक इंपॉर्टेंट एंड राइट डिसीजंस इन योर लाइफ। आफ्ताब रशीद मॉर्गेज ब्रोकर, कॉल 647-300-3304 और visit xbanker.net. We are professionals. We are xbanker. Welcome back to the Realtors Cafe and thank you for staying with us. So hum Aftab Rashid sahab se baat kar rahe the jo ex banker hain aur bade prominent and successful mortgage professional bhi hain, to unse baat kare ji. Sir aap kuch break se pehle jo baat kar rahe the ji, वो उसको मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये इस लोग GTA से बाहर निकल रहे हैं, GTA से लोग बाहर निकल रहे हैं, उसकी वजह से लोगों में जो यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी एक सप्लाई डिमांड वाली सिचुएशन थी कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी इतनी GTA में एक लिमिटेड वो थी, अब लोग नियाग्रा की तरफ भी जा रहे हैं, बैरी की तरफ भी जा रहे हैं, किचनर भी जा रहे हैं और ये जॉर्ज टाउन और मिल्टन और स्मॉल टाउन जो हैमलेट्स वगैरह हैं जी वहाँ बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है और ये बड़ी अच्छी बात है, इससे दोनों बातें होती हैं, एक बात तो ये कि वो छोटे टाउन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और दूसरे ये कि लोगों को फिर वहाँ सस्ते घर मिल जाते हैं, वो बजाय इसके जितने में वो यहाँ पे एक छोटा घर लेते हैं वहाँ उतने में उनको बड़ा घर मिल जाता है, तो वो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है और कम्यूट उनको मिल गया है अब ये गो के ज़रिए से और वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनको वो अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्टेड है, तो ये इस चीज ने बड़ा काम किया है, बल्कि सारा आकर देखिए ना जी वुडस्टॉक में ने काफी प्रोजेक्ट इस वक्त लॉन्च हुए हैं अभी हो भी रहे हैं जी, जी, जी. लंदन आपका है, चैटम, विंडसर, सारनी, ये पूरा एरिया इतना डेवलप हो रहा है वहां पर, इतने लोग वहां पे मूव किए हैं ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स और सो कि वहाँ भी प्राइसेस जो है ऊपर चली गई लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली GTA से बहुत बेहतर है। नॉर्थ की तरफ लोग जा रहे हैं, नॉर्थ बे एक एरिया जी अबव बैरी जो है उससे भी ऊपर, बैरी से तकरीबन आई थिंक 2 आवर्स की 2 2.5 आवर्स की ड्राइव है
नॉर्थ बे जी जी, जी. निपर सिंह लेक निपर सिंह जी ऊपर है जी, इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई है और काफ़ी वहाँ पे लोग मैं देखा है कि वहाँ मूव किए सारे. तो वो आपकी बिल्कुल बात सही है कि वो बाहर जाने से जो है एक तो आपको यू गेट अ बिगर प्लेस एंड चीपर, चीपर इन द सेंस के यू पेइंग लोअर प्राइस फॉर दैट. एग्जैक्टली. और जा रहा है ये वर्क फ्रॉम होम ने काफ़ी चीज़ों को आसान भी कर दिया हुआ है. तो इस वक्त सर एक रेट्स का मैं बात कर रहा था कि रेट्स के बारे में अगर क्या मैं आपके पास आता हूँ तो मैं कहता हूँ सर कुछ घर खरीद रहा हूँ, तो पहले तो आप आई थिंक क्वालिफाई करेंगे उनको कि कितनी अमाउंट तक की मॉर्गेज ले सकते हैं या क्या है उसको क्वालिफाइंग का क्या सिस्टम है आजकल? जी उसमें ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है कि हम किस क्लाइंट से हम डील कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट्स में जो हमारे जो लेंडर हैं उनकी कैटेगरीज़ हैं, इसी वो कैटेगरीज़ जो बनाई गई हैं लेंडर्स की वो क्लाइंट की कैटेगरीज़ के हिसाब से बनाई गई हैं. तो जो ए साइड के क्लाइंट हैं, जो ए टाइप के क्लाइंट हैं, उन्हें ए टाइप के जो लेंडर्स हैं उनसे हम मैच करवाते हैं, जैसे बैंक्स हैं, ट्रस्ट कंपनीज़ वगैरह हैं. और अगर कुछ थोड़ा सा किसी के उसमें क्रेडिट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, कुछ उनका 680 एक बेंचमार्क है ए लैंडिंग के लिए, तो अगर उससे नीचे किसी का स्कोर है तो फिर हम उनको बी लैंडिंग की तरफ ले जाते हैं. और सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिसमें कि अप्रेजल की कोई प्रॉब्लम आ गई या एट द 11th आवर कोई उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से फिर हम उनको फिर फॉर द टेम्परेरली हम सी साइड पे यानी प्राइवेट मॉर्गेज में ले जाते हैं, लेकिन वो उसको फिर अल्टीमेटली हम कन्वर्ट करके दोबारा से इंस्टीट्यूशनल मॉर्गेज में ले आते हैं. ना वो तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ताकि उनका जो लॉसेस जो है वो ना हो, एटलीस्ट यू क्लोज द ट्रांजैक्शन, उसके बाद आप जो है फिर उसके बाद इसमें भी क्लाइंट्स में भी दो किस्म की फर्दर बाइफर्केशन हो जाती है. एक आते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं जिनके के जॉब लेटर्स वगैरह की सिचुएशन होती है, फिर हम उसके दूसरे होते हैं जो बिजनेस फॉर सेल्फ होते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड वो एक डिफरेंट कैटेगरी होती है, उसकी असेसमेंट और उसकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट तरीके से होती है. उसमें भी फिर ये होता है कि ए लैंडर्स जो हैं उसको डिफरेंट तरीके से क्वालिफाई करते हैं, बी लैंडर्स उसको डिफरेंट तरीके से क्वालिफाई करते हैं. वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, फिर उसी हिसाब से फिर वो रेट्स वगैरह उसके एडजस्ट हो जाते हैं. तो ये जो स्ट्रेस टेस्ट रख दिया है उसकी वजह से तो ज़ाहिर है मॉर्गेज क्वालिफिकेशन जो है काफ़ी टफ हो गई है. जैसे जो आपको रेट मिल रहा है उसके ऊपर 2% आप ऐड कर रहे हैं, मिलेगा आपको वही रेट जो एग्रीड है आपको जो लेंडर दे रहा है, लेकिन स्ट्रेस टेस्ट जो है ये ये देखें आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको यही बताऊँगा. देखिए जब ये 2% के अराउंड में था रेट और 3% के अराउंड में था रेट, उस वक्त जब ये स्ट्रेस टेस्ट दिया था तो स्ट्रेस टेस्ट जो था वो 5% पे जाकर होता था. गवर्नमेंट ऑफ इसने बैंक ऑफ कैनेडा ने उस वक्त 4C कर लिया था. यही इनकी प्रोफेशनलिज्म है जो ये आगे 4C करते हैं आगे आने वाले सर्कमस्टांसिस को, कि इनका अब देखें इस वक्त 5+ में इस वक्त जो है इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, कि उस वक्त उन्होंने 4C कर लिया था कि जो शख्स 5% पे क्वालिफाई करेगा उसको हम ये रेट देंगे ताकि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो अगर 5% हो जो कि अब हो गया है. अब देखें अगर उस वक्त उसको 3% का वो क्वालिफाई कर रहा था और उस फर्स्ट करें कि वो 4% पे क्वालिफाई ना करता तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा था वो डिफॉल्ट पे चले जाते. तो इसकी वजह से बड़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्थी इकोनॉमी ये रही है कनाडा की. डिफॉल्ट रेट तो बिल्कुल डिफॉल्ट रेट बहुत कम है कि पहले से इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था. और ये स्ट्रेस टेस्ट की वजह से ही बड़े जिसे कहते हैं कि सेलेक्टेड और निखार के उन्होंने फिल्टर करके बड़े स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स को लिया हुआ है. अच्छा इसमें आपको मैं बताऊं कि ये जो स्ट्रेस टेस्ट है ना जी, ये सिर्फ क्लाइंट्स के साथ ही नहीं होता, ये बैंक ऑफ कैनेडा जो है वो बैंक्स के साथ भी स्ट्रेस टेस्ट करता है. ओ अच्छा जी, ये नई खबर है सर, ये सुनिए. ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा. मैंने जैसे अभी बताया कि ये बैंक ऑफ कैनेडा ये इज अ बैंक ऑफ अ बैंक्स, तो ये बैंक्स जो जब उनको लेने के लिए जाते हैं मनी लेंड करने के लिए जाते हैं, इनकी लाइन ऑफ क्रेडिट्स वगैरह होती हैं, उसके एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि ये कितना आपके डिपॉजिट्स हैं, कितने आपके लेंडिंग है वगैरह, उसके हिसाब से वो उनको लाइन ऑफ क्रेडिट्स देते हैं वहाँ से. तो
वो उससे पहले वो ये बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस टेस्ट, कि ये बैंक इस काबिल है कि इसको फर्दर लैंड कर दिया जाए और ये फर्दर लैंडिंग में जाए, या अगर जाए तो कितनी लैंडिंग में जाए, एक लिमिट उस बना के कि इस इतनी लैंडिंग तक इसको रखें। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं और ये बड़ा इंटरेस्ट, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो बैंक्स को टेस्ट करते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस टेस्ट फॉर द बैंक्स। यही काम फेडरेशन में जो US है वो भी अपने बैंक्स के लिए करता है। तो ये काइंड ऑफ ये सब बैंकों का, ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनका ये काम होता है, उनका काम है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर कोई कोई परचेजर जो है वो डाउन पेमेंट ज़्यादा कर रहा है तो उस पर कोई मॉर्गेज रेट कोई कंसेशन मिल सकती है? देखें जी, उसमें ऐसा होता है कि उससे उसकी क्वालिफिकेशन तो अच्छी हो जाती है, लेकिन डाउन पेमेंट से उसके रेट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो क्लाइंट्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, कि ये रेट्स जो हैं ये किस तरह तय होते हैं, ये इंटरेस्ट रेट जो बैंक देता है। मैं एक्चुअली, मुझे एक अपॉर्चुनिटी रही है, जैसे मैंने बताया कि मैं अंडरराइटिंग साइड पे रहा हूँ, मॉर्गेज अंडरराइटर भी रहा हूँ लेंडर्स के साथ, मुख्तलिफ लेंडर्स के साथ। तो उसमें होता ऐसा है कि जो ब्रोकर साइड होती है वहाँ ये एक एप्लीकेशन होती हैं, एक दो हैं जिसमें कि फाइलॉजिक्स या इसको कहते हैं तो इसमें जब आप डाटा हम एंटर करके इसको फीड करके हम सबमिट करते हैं तो ये डाटा एज इट इज जाके कॉपी हो जाता है लेंडर्स के अपने सॉफ्टवेयर में। जब उनके सिस्टम में ये कॉपी होता है तो उनके अपने क्राइटेरियाज हैं, जिसमें उसका एज का क्राइटेरिया है, उसमें उसकी लेंथ ऑफ जॉब का क्राइटेरिया है, उसमें उसके क्रेडिट्स का क्राइटेरिया है, उसमें उसके और बहुत सारी चीजें क्या है। इसके अलावा एरिया क्या भी हो जाता है कि GTA में है, बाहर है, कहाँ है, क्या है, तो वो सारी चीजें मिला के सिस्टम सजेस्ट करता है कि इसको ये रेट हम देंगे। तो वहाँ से वो रेट जो है वो तय होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि एक रेट बता दिया वो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए अवेलेबल है। तो होता ये है कि दो भाई जब मॉर्गेज सबमिट करते हैं, एक को एक ही लेंडर से एक रेट मिलता है, दूसरे को डिफरेंट रेट मिल जाता है, क्योंकि वो ये सब मैंने बताया कि ये पीछे उसकी कैलकुलेशन हो रही होती है सॉफ्टवेयर में, वहाँ से ये चीज़ें तय होती हैं। ये बड़ी आपने बड़ी यूजफुल बड़ी एक आई थिंक पते की बात बताई है, हमारे जो दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं आई थिंक उनके लिए बड़ा एक एडिशन टू देयर नॉलेज होगा, मेरे लिए भी बड़ी सर ये तो आपने बड़ी बड़ी काम की एक बात बताई है। थैंक यू सर। ये बताइए कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम भी है कि उनका डाउन पेमेंट उनका कुछ शेयर करते हैं, वो जरा बताइए, काफ़ी हमारे दोस्तों की ईमेल्स भी आई हैं, वो पूछते हैं इस बारे में। जी, गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और बहुत पहले से उनका एक प्रोग्राम है जिसमें वो डाउन पेमेंट के लिए हेल्प करते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर की। अच्छा, पहले तो इसमें छोटा सा आपको ये बता दूं कि फर्स्ट टाइम होम बायर है क्या और कौन होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्होंने पहले कभी घर नहीं खरीदा, वो फर्स्ट टाइम होम बायर हो गए। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो भी फर्स्ट टाइम बायर कहलाते हैं जिन्होंने अपना घर 4-4.5 साल हुए बेच दिया था, 4.5 years या ओवर 4 years उनकी पीरियड जा चुका है, अभी तक वो किसी घर के ओनर नहीं है, यानी कि 4 years से ज्यादा कोई ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो वो भी फर्स्ट टाइम होम बायर। अच्छा, ये सब बढ़िया आपने बात की, वो भी बन जाएंगे। एक और भी इसमें क्राइटेरिया बन जाता है जिसमें कि अगर किसी का, अच्छी बात नहीं होती कि घर टूट जाए, उसको हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाएं, पहले वो जॉइंट थे, उनका एक जॉइंटली एक मॉर्गेज थी, वो अब जो दोनों ने अलहदा अलहदा अगर वो लेने जाएंगे तो वो सिंगल नेम से अगर लेंगे तो वो फर्स्ट टाइम होम बायर वो भी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम डाउन पेमेंट साइड पे। गवर्नमेंट की दो स्कीमें हैं जी, एक तो हैं उसके लिए जो कि आप बुक करते हैं घर न्यूली बिल्ट, उसमें 5% क्लाइंट देता है, 5% गवर्नमेंट देती है, तो वो 10% हो जाता है। एक होता है अगर आप रेडीली बिल्ट कोई घर खरीदना चाहते हैं
जो ऑलरेडी बिल्ट हुआ हुआ है जिसमें लोग रह रहे हैं, तो उसमें 10% क्लाइंट देता है, 10% गवर्नमेंट देती है। अच्छा, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस आती हैं। वही मैं पूछ रहा था, क्या उसका क्वालिफाइंग क्या है उसके क्राइटेरिया? उसमें ऐसी सिचुएशन है कि इसका पहले तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं कि प्रोसेस ये होता है कि जब हमारे पास क्लाइंट आता है, हम उससे पूछते हैं कि भाई आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी है क्या आप अवेल करना चाहते हैं आप? तो ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास डाउन पेमेंट के पैसे नहीं हैं, जो जिनके पास पैसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए नहीं है ये। तो जो इस क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं जिन जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके उनको गवर्नमेंट ये देती है। और उसके बाद होता ये है कि ये 20 साल के लिए का पीरियड है, उसमें इसको रीपे करना है। ओके अच्छा, लेकिन उसमें सिचुएशन ये है कि जैसे कि जो भी 5% या 10% आज किसी ने लिया, तो आज के बाद वो फर्श करें वो 15 साल के बाद वो घर बेच देते हैं, तो 15 साल के बाद वो जो उसकी अप्रेज्ड वैल्यू होगी उसका 10% उनको पे करना होगा। ये अमाउंट नहीं देनी होगी जो आपको इसमें मिली। फर्श करें कि इसमें आपको 50,000 मिला था, उसके बाद घर अप्रेज करके उसकी जो वैल्यू बन गई वो ज्यादा बन गई, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू हैव टू पे 75 और मे बी 100,000। ओके ओके, ये भी इसका। तो अगर आप घर नहीं बेचते तो फिर अगर आप घर नहीं बेचते तो तब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 20 साल में उसको जाके रीपे करें, लेकिन वो फिर वही उसको पे करना होगा, वही अमाउंट जो प्रिंसिपल एक्चुअली आई मीन अमाउंट वही उसको पे करना। तो इसका दोबारा से बताइए, क्वालिफाई किस तरह कर सकते हैं? हमारे एक दोस्त ने पूछा जी कि मैं एक घर ले रहा हूँ, मेरे पास 5% है और क्या मुझे मिल सकता है घर? तो मैं अब आप बैठे हैं, आप जैसे प्रोफेशनल, तो बताइए कि 5% है क्या उसमें, अगर उसको वो अप्लाई करता है तो ऑब्वियसली वो रीसेल मार्केट में ले रहा है, जिसको हम दुबई में सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, तो रेडी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है। वो कह रही है मेरे पास 5% है। सपोजिंग उसने अगर बात की बैंक से, तो उन्होंने कह रही कि आप 800,000 8,00,000 तक की मॉर्गेज आपको मिल सकती है इस डाउन पेमेंट के साथ, तो वो उसका अगर वो अप्लाई करना चाहे, ये गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो क्या ही सुना कि पील रीजन का भी कोई था स्कीम कोई? जी, पील रीजन में ये लिमिट हायर है, और इसमें जीटीए में और वैंकूवर ग्रेटर एरिया में, ये दो में लिमिट हाई हैं। लेकिन अगर आप इससे बाहर निकल के कुछ छोटे टाउन्स में लेंगे तो वहाँ इसकी लो है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि ये जो अमाउंट है इसकी वो लिमिट बनाई है। मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ जी, मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो जो मॉर्गेज अमाउंट है वो ऑलमोस्ट अराउंड 800,000 होगी। अच्छा, घर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन उसको 10 या 20% डाल के जो अमाउंट है, जो मॉर्गेज अमाउंट है, वो 800,000 पे आ जाएगी। ये उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो होगा। अच्छा, होता इस तरीके से है कि वो मैंने बताया कि अगर न्यूली बिल्ट है कोई घर है तो उसके लिए 5% वो होगा, और जो रेडिली बिल्ट है उसके लिए 10% होगा। लेकिन वो सिचुएशन ये होती है कि वो अपनी तरफ से 10% देंगे। हम उसको सबमिट करते हैं जब, तो लेंडर को हम कह देते हैं कि ये फर्स्ट टाइम होम बायर का प्रोग्राम अवेल कर रहे हैं, तो वो उसको हम जो डाउन पेमेंट अमाउंट है वो 20% ही उसमें मेंशन करते हैं, तो उसको कैलकुलेशन जो उसकी की जाती है वो 20% पे की जाती है। जब उसको अप्रूवल लेटर मिल जाता है, फिर वो उसको CMSC में एक एप्लीकेशन है वो हम भेजते हैं, वहाँ से फिर अप्रूवल आती है। जब वो उसकी अप्रूवल आती है तो वो एक्चुअली लेंडर के पास आ जाती है, और लेंडर को वो कह देते हैं कि आप इसको लेंड कर दीजिए, हम जो रिमेनिंग 10% है वो हम आपको दे देंगे। मतलब इजीली मिल जाता है हर एक को। उसमें मैंने बताया कि इसमें क्राइटेरिया उसका है, जो उस क्राइटेरिया में आ जाएगा उनके लिए वो है, और बेसिकली इसका पर्पस यही है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा बेहतर है, और उन्हीं के लिए देखते होंगे आई मीन हाउस होल्ड इनकम कितनी है जी, क्रेडिट क्या है इसका, सारा चीजें देखे वो सारी चीजें। तो ये CMSC जब देती है तो क्या CMSC अपनी इंश्योरेंस ऐड करती है उसमें?
जब अगर ये 20% पे आ जाती है तो फिर तो नहीं करते, लेकिन अगर उससे कम में है तो फिर वो सीएमएससी के लॉ में आ जाती है उसमें सारी। तो ये उनको बिजार है, फिर वो जो लैंड ट्रांसफर टैक्स है अप टू $4,000 वो भी वो सब चीज़ें एग्जेम्पशन को मिल जाएगी। अच्छा, ये एक अच्छी आपने एक बात की कि ये इसमें काफ़ी काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि नहीं ये हमें बताइए क्या है जी गवर्नमेंट का सारा क्राइटेरिया। तो ये है कि उसमें हमने कहा कि 5% जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन में है अगर आप बुक करवा रहे हैं, और 5% आपको अच्छी आजकल ये 5 स्मोदिंग वो कोई बंदा है वो क्वालिफाई नहीं कर रहा इस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट जो प्रोग्राम है, तो क्या आजकल 5-10% पे मॉर्गेज पॉसिबल है? अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ कि डाउन पेमेंट और इसकी क्वालिफिकेशन ये एडवर्स चलती हैं। जितना लो डाउन पेमेंट होगी उतना क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हाई चला जाएगा, और वो उसकी वजह ये है कि उसके लिए आपको उतनी ही ज़्यादा इनकम चाहिए कि जो उस हाई क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर जाए। जब आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हैं तो वो क्राइटेरिया नीचे आ जाता है। आपको इस तरीके से बताऊं कि जब आप हम कभी कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, जैसे छोटी मोटी कोई ग्रॉसरी लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि भी 1 किलो सेब लेना है, 1 किलो सेब कितने के हैं? उन्होंने कहा जी सपोज़ कि ये $5 के हैं। हमने $5 का नोट निकाला, उसको दे दिया, वो हमसे नहीं पूछता कि आप नौकरी कहाँ करते हैं, आपका ये क्रेडिट स्कोर क्या है, क्योंकि वो मनी लैंड नहीं कर रहा। हमने डाउन पेमेंट 100% उसको कर दिया बिल्कुल। अब हमने उसको कोई उसका जब हम डाउन पेमेंट 100% नहीं कर रहे तो हम मनी बैंक से ले रहे हैं। जो लेंडर है वो फिर अपनी इसमें भी आप ये देखें कि रिस्क कितना बड़ा है। हम 5% दे रहे हैं या 10% दे रहे हैं, जबकि बैंक 80% या 90% लैंड कर रहा है। तो चूंकि बड़ा रिस्क उनके पास है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, हम कम दे रहे हैं, ज़्यादा रिस्क में वो हैं, तो वो फिर अपना एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि हमें ये देखना है कि क्लाइंट्स कहीं हमारी मनी लेके डूब तो नहीं जाएगी, ये डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। तो अपने वो सारी चीज़ें देखने के लिए ये डाउन पेमेंट का सिचुएशन है। तो जैसे जैसे आप डाउन पेमेंट बढ़ाते चले जाएंगे क्वालिफिकेशन आसान होती चली जाएगी, जितना लो डाउन पेमेंट होगी उतनी क्वालिफिकेशन मुश्किल होती चली। अच्छा, एक ज़माने में ये था कि वो जी 35% डाउन करें, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, अभी तक चल रही है वो? जी नहीं, आप बड़ी अच्छी बात की आपने। एक वक्त में ये प्रोडक्ट एक्चुअली होता ये है कि ये लेंडर्स की प्रोडक्ट होती हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स भी अप्रूव कराते हैं ये बैंक ऑफ कैनेडा से। बैंक ऑफ कैनेडा ने बहुत अर्सा पहले दो चीज़ें थी इसमें, एक तो 35% 35,000 का था, और एक और भी था उसमें, वो था कि आप एक ये था, हाँ एक था 35 ईयर्स अमोर्टाइजेशन, वो भी खत्म कर दिया, और ये 35,000 पे नो क्वेश्चन आस्क ये वाला भी उन्होंने 35% ये दोनों प्रोडक्ट्स खत्म हो गई हैं। तो अभी सुना है अमोर्टाइजेशन को कोई एक्सटेंड कर रहे हैं? जी, कर दी है। जी जी, मैं उस तरफ आने लगा था, आपने अच्छा किया ये सवाल कर दिया। एक्चुअली जैसा कि अभी आपने बताया कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं क्वालिफिकेशन में, तो जाहिर है ये इकॉनमी चलानी होती है, और हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग क्वालिफाई करें, लोग इसको परचेज करें। तो फिलहाल इन्फ्लेशन की वजह से ये तो डाउन नहीं कर रहे इंटरेस्ट रेट, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन इजी करने के लिए सिर्फ हाउसिंग मार्केट में मॉर्गेज के लिए, ये इसको सिर्फ वो करने के लिए ये अमोर्टाइजेशन जो है वो 30-35% 35 ईयर्स और मे बी 40 ईयर्स तक, 40 ईयर्स का भी, 40 ईयर्स का भी शायद हो जाए, तो उससे इनकी पेमेंट जो है, जो मंथली पेमेंट होती है, वो नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे गिर जाती है तो उसकी क्वालिफिकेशन में आसानी हो जाती है। तो इस बारे में वो सोच रहे हैं कि ये ऐसा कर दिया जाए, एक मार्केट र्यूमर्स हैं कि ये जल्दी आने के इम्कान। हाँ, काफ़ी सुन तो यही सुन रहे हैं कि जी उसमें अमोर्टाइजेशन पीरियड जो है वो बढ़ा रहे हैं। जी जी, उससे लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्वालिफाई करने के लिए। तो बायर्स मार्केट तो है, मैं बायर्स को बार बार कहता हूँ कि डोंट ज़्यादा डिले मत कीजिएगा इसको, क्योंकि जैसे ही एकदम मार्केट टर्न अराउंड करनी है तो फिर ये मिलना कुछ नहीं यहाँ पे। अच्छा सर, ये बताइए कि बैंक ऑफ कनाडा, आप क्या प्रोडिक्शन है, क्या सोच रहे हैं कि ये रेट्स कब तक नीचे आने के चांस है?
ये बिल्कुल वही वाली बात, अगेन वो हम उसी डिस्कशन पे पहुंच जाते हैं कि बैंक ऑफ कनाडा का मेन टारगेट इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जिस तरह जा रहा था ख्याल यही था कि टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर दे विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। देखिए होता ये इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेट आप हमने लफ्ज सुना इन्फ्लेट, ये फूल जाना, होता ये है कि प्राइसेस जो किसी चीज़ की जो एक्चुअल प्राइस है वो इन्फ्लेट होके ऊपर फूल के वो उससे ज़्यादा बन जाती है। उससे ज़्यादा बन जाने का ये मतलब है कि आप जो मनी पावर है वो नीचे चली गई है। वही चीज़ जो $5 में हम ले रहे थे वो 5 से ऊपर वाले डॉलर में हम जाके वो चीज़ खरीद रहे, दैट मीन कि हमें ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ रही है। तो इस मनी की बाइंग पावर जो है वो उसको बेटर करने के लिए इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। वरना तो आपके हमारे सामने हैं युगांडा और बहुत सारी कंट्रीज की मिसालें हैं जहां लोग बोरियों में पैसे भर के लेके जाते हैं और मुट्ठियों में चीज़ें लेकर आते हैं। तो ये इसकी इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि मनी अपनी बाइंग पावर लूज ना करें, तो इसको सर इसमें ये भी है ना कि अब हम लोगों को भी तो चाहिए कि हम अपना जो है वो पार्ट उसमें जो है वो प्ले करें। आप भी जानते हैं अब लोग भी तो बहुत पैसा स्पेंड कर रहे हैं। आप देखें ना रेस्टोरेंट्स वगैरह चले जाएँ, कहीं भी आप चले जाएँ, इतना एक्सपेंसिव हो गया ईटिंग आउट, लेकिन वहाँ पर लाइनअप्स लगे हुए हैं, टेबल के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो ये वो जब तक ये अपना जो स्पेंडिंग हैबिट्स को थोड़ा चेंज नहीं करेंगे हम लोग जी, तो वो भी तो है ना कि उसमें। हाँ अब वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा छोटा सा पोर्शन है जिसको हम देखते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली इन्फ्लेशन जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये एक बास्केट होती है जिसमें के हेल्थ ये हमारी और ये ग्रॉसरी होती है, इसमें एनर्जी आती है, क्या आती है, इसी तरह ये टोटल 10 प्रोडक्ट्स होती हैं। ये उनकी प्राइसेस को देखते हैं कि ये कहाँ जा रही हैं। तो उसमें ये चीज़ें देखते हैं कि भाई ये आवाम की पहुंच में रहें ये चीज़ें। जब उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो ये फील करते हैं कि ये इनकी पहुंच से बाहर निकल रही हैं, तो उसको खींच के नीचे लाने के लिए ये सब कुछ मेजरमेंट्स किए जाते हैं, तक इसको उसके डिफरेंट इसके स्टेप्स होते हैं। उसका एक स्टेप तो ये होता है कि आप लेंडिंग को टाइट कर दीजिए। लेंडिंग टाइट करने का मकसद ये है कि जब मार्केट में पैसा नहीं होगा, लोगों को मिलेगा ही नहीं, तो वो स्पेंड कहाँ से करेंगे। और दूसरा ये है कि उसको कॉस्टली कर दिया जाए, वो उसी की एक है कि इतना कॉस्टली लैंडिंग कर दी जाए इंटरेस्ट रेट हाई करके कि वो उसको स्पेंड करते हुए सोचें कि भाई ये इतनी मुझे इस कॉस्ट में ये पैसा मिला है, इसको मैं खाने पीने में या इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा स्पेंडिंग ना करूं। लेकिन ये भी इस इकॉनमी का हिस्सा है और ये होनी चाहिए, क्योंकि कैनेडियन इकॉनमी जो है वो सेविंग बेस नहीं है, ये स्पेंडिंग बेस है, इसमें मनी सर्कुलेशन में मांग जाएंगे। बिल्कुल सही। आप देखते हैं कि हमारे पास जब वीकेंड आता है तो वीकेंड पे बहुत सारे फ्लायर्स आ जाते हैं, वो आपके लिए टेम्पटेशन देते हैं कि ग्रॉसरी ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। तो ये चाहते हैं कि मनी सर्कुलेशन में रहे, मनी बैंक में डिपॉजिट ना हो, और उसी को डिस्करेज करने के लिए बैंक में जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर कम से कम इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, ताकि ये एक डिस्करेजमेंट है कि लोग पार्क ना करें पैसा, बल्कि उसी पैसे को आइदर इन्वेस्ट करें और उसको इकॉनमी में रोलमेंट करें, तो इकॉनमी में रहे पैसा, पार्क होके साइड पे ना। नहीं, बड़ी सी आपने बात की। दूसरा यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग और सारा इतनी हाई हो गई, ग्रोसरीज देखें डेली बेसिस पे, मैं उस दिन गया वहाँ से, मैं वो तीन मैंने टोमेटोज लिए $3 के, मैं उनको देख रहा हूँ कि यार ये गोल्ड के हैं टोमेटोज या किस चीज़ के हैं। तो आई मीन फ्रूट वेजिटेबल जनरल ग्रोसरी जो है सो हाई कि अब एक्चुअली मैंने जो इस वक्त हमें वर्ल्ड को पूरे एज अ होल ये देखना होगा, आपको मालूम है कि इस वक्त इस वॉर गोइंग ऑन, तो उसकी वजह से उसका भी इंपैक्ट आ रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर का भी, एनर्जी कॉस्ट जो है वो बहुत हाई हो गई है, तो वो ये इन्फ्लेशन जो है ये उसमें से वन ऑफ द जो इसमें फैक्टर काउंट करता है वो एनर्जी कॉस्ट भी होती है। तो उसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में ही ये सिचुएशन है कि ये लिविंग कॉस्ट जो है वो ऊपर चली गई है, उसमें US भी है, उसमें अमेरिकन्स भी हैं, उसमें ये यूरोपियंस भी हैं, दूसरे लोग कंट्रीज हैं, सबके पास अब यही सिचुएशन है, सब लोग इसी बात पे रो पीट रहे हैं कि भाई ये लिविंग कॉस्ट ऊपर चली गई है, तो हम अकेले नहीं हैं इस किश्ती में, सब इसमें, तो पूरा द होल वर्ल्ड इसमें है।
सर थैंक यू वेरी मच। जनाब हम बात कर रहे थे जनाब हमारे बड़े, आप देखें कितनी आफ्ताब रशीद साहब जो इतने प्रोफेशनल हैं, उनके लग रहा है आई मीन दिस जेंटलमैन इज फुल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बड़ा मजा आया सर आपसे बात करके, आपके साथ तो लगते हैं और प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे बिकॉज अभी काफ़ी चीज़ें थी जो रह गई, हमारा टाइम कंस्ट्रेंट होता है प्रोग्राम का। और बड़ा मजा आया सर आपसे बात करने का और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स जो हमारे दोस्त जो प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं उनको भी काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन सुनने को मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इस दफ़ा आप अगेन आपके बुलाने का। और अब मैंने सुना था कि शायद हमारी डायरेक्ट लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से हम क्लाइंट हाँ कुछ कॉल आ रही थी, मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगा कभी हमारे जो डायरेक्टर प्रोडक्शंस हैं और टेक्निकल डायरेक्टर हैं आफ्ताब आमिर अख्तर साहब, उन्होंने इन्फॉर्म किया जी कि समथिंग हमारी डायरेक्ट लाइन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है और काफ़ी इस वक्त दोस्त कॉल कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ कॉल्स आर कमिंग लेकिन वो यहाँ नहीं आ रही, कहीं और जा रही हैं। तो जरी प्रॉब्लम है वो आई अपोलोजाइज, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपसे लाइव हम बात नहीं कर सके, आगे के जो क्वेश्चन या कुछ चीज़ें होंगी उनको हम आंसर नहीं कर सके। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ द वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी, इंशाल्लाह इसको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो लेकिन आप ईमेल्स हमें भेजते रहते हैं, आप कोई क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड आफ्टर रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपके आने का, इंशाल्लाह आपके साथ मजीद प्रोग्राम करेंगे और होप यू लाइक द प्रोग्राम। मुझे तो बहुत मज़ा आया जी आफ्ताब रशीद साहब से बात करके, उनसे एक नॉलेज ज्ञान जो हासिल किया है दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल और बड़ा मज़ा आया इनसे बात कर। ये होता है अच्छे एक जो प्रोफेशनल होते हैं लोग विद एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, उनसे आप जब बात करते हैं इंटरेक्ट करते हैं तो एक मज़ा आता है, कोई गुफ्तगु का, ठीक है। सो एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल्टर्स कैफे विद अस्फर ताहिर, आप मुझे इजाजत दीजिए अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Are you buying a home and need a mortgage? Are you taking money out of your home equity or refinancing your mortgage? Do you know your budget, how much you qualify for? Don't guess, talk to a professional. You need an experienced and professional mortgage broker to help you get the right mortgage. We have over 30 years of banking and financing experience with thousands of satisfied clients. We can help you take important and right decisions in your life. Aftab Rashid Mortgage Broker. Call 647-300-3304 or visit xbanker.net. We are professionals. We are X-Banker.